Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School, Kalayath. Class plus 2 history, lesson 9, के lecture 2 में पढ़ेंगे आज हम पांडुलिपि की रचना, तुर्की से फारसी की ओर एंड इतिवृत्तों की रचना. लेसन है मुगल किंग्स कोर्ट्स एंड द क्रॉनिकल्स. इतिवृत्तों की रचना. मुगल बादशाह द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं. ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रवर्ध राज्य के दर्शन की प्रयोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे. इसको अंडरलाइन कर ले जैसे किया हुआ है. ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रवर्ध राज्य के दर्शन की प्रयोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे. इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था, यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है. शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे. मुगल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप में से दरबारी ही रहे. उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी. शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार व अभिजात वर्ग, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अकबर, शाहजहां और आलमगीर, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी का नाम की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक था. बात करते हैं तुर्की से फारसी की ओर. मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे. इसको अंडरलाइन कर लें. मुगल जो दरबारी इतिहास थे बेटा, फारसी भाषा में लिखे गए. दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी व इसकी क्षेत्रीय विविधताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषाओं के रूप में खूब पुष्पित प्लवित हुए. चूंकि मुगल जगताई मूल के थे, तुर्की उनकी मातृभाषा थी. इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण किसी भाषा में लिखे थे. अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार को मुख्य भाषा बनाया. अंडरलाइन कर लें. अकबर ने सोच समझकर किसको, फारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया. क्वेश्चन एक नंबर में आता है, कौन सी भाषा बेटा, फारसी को. संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों को से बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित भी किया होगा. फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया. उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा भी प्रदान की गई जिनको इन भाषा पर अच्छी पकड़ थी, अर्थात जिनको फारसी भाषा का अधिक ज्ञान था बेटा. राजा, शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे. कुछ और आगे यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जिसमें लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इससे सीख लिया. जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी, वहाँ भी राजधानी मराठी और यहाँ तक कि तमिल में शासकीय
लेखक की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया। चूंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे, वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे, अतः स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया था। फारसी के हिंदी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, अकबरनामा जैसे जो मुगल इतिहास थे कौन सी भाषा बेटा, फारसी में लिखे गए, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा तुर्की से फारसी में लिखा गया, तुर्की से फारसी में उसका अनुवाद हुआ। क्वेश्चन आता है तुर्की से फारसी हेडिंग किसका, बाबरनामा का, किसका बेटा, बाबरनामा। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का भी आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रजमनामा के रूप में हुआ। रजमनामा क्या है बेटा, युद्धों की पुस्तक। अब आता है पांडुलिपियों की रचना। क्वेश्चन आता है इसमें मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये आपके टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट में, क्या कि मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। पहले तो पता होना चाहिए पांडुलिपि क्या है, हाथ से लिखी हुई। क्या बेटा, हाथ से लिखी हुई। ये सभी की सभी लाइनें जो अंडरलाइन की हुई, इसको पहले लेसन को रीड किया हुआ है, आप भी सभी विद्यार्थी अंडरलाइन किए करें। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। कौन सा था मुख्य केंद्र, शाही किताबखाना। किताबखाना शब्द तो पता ही है, पुस्तकालय लाइब्रेरी जहां बहुत सारी किताबों को रखा जाता है के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यह दरअसल एक लिपिघर था, अर्थात ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता और नई पांडुलिपियों की रचना भी की जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में, जो पांडुलिपि है उनकी रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वालों की पांडुलिपि लिपि के पन्ने तैयार करना, सुलेखों की पाठक की नकल तैयार करते, गोफ्तगरों की पृष्ठों को चमकाने के लिए और चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए, जिल्द साजों को प्रत्येक पन्ने का इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण करना, अलग करने में बैठने के लिए आवश्यकता होती थी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में भी देखा जाता था। इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षक मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। इसी तरह इन पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। इनमें सुलेखों और चित्रकारों को तो उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, जबकि अन्य जैसे कागज बनाने वाले और जिल्द साज गुमनाम कारीगर ही रह गए। सुलेखन अर्थात, सुलेखन समझते हैं विद्यार्थी, हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती है। इनका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलिक अकबर का की पसंदीदा शैली थी, इसको अंडरलाइन कर ले, नस्तलिक जिसको अकबर पसंद करता था उसकी एक शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे
लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 किलोमीटर की नोक वाले छंटे हुए सरकंडे, 5 से 10 किलोमीटर की नोक वाले छंटे हुए सरकंडे जिसे कलम कहा जाता, 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छठे सरकंडे से कलम कहा जाता। कलम जैसे पहले बेटा तख्ती पर लिखते थे, आगे से नोक कर लेते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। वे टुकड़े से शाही में डुबोते थे, दबात लेते थे, इंक वाले उसमें दबाते थे, हमने लिखा भी है, तो उसको स्लीक कहते थे। फिर उसको आप गंजनी माटी से लेप भी करते थे, उसको इरेज करते थे। सामान्यतः कलम की नोक में बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वह शाही आसानी से सोख ले। थैंक यू, हैव ए गुड डे। क्लास प्लस टू हिस्ट्री लेसन नंबर 9 चला हुआ है, ये लेक्चर 2 था। हो ये सभी विद्यार्थियों ने इसके क्वेश्चन आएगा, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। जो वो कलम बताया था 5 से 10 मिलीमीटर है बेटा, किलोमीटर गलती से बोल दिया था। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ हो।